हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट टॉपिक को टच करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट जो स्टार्ट करेंगे तो इस वीडियो के अंदर विल डिस्कस अबाउट द जावास्क्रिप्ट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब ये जो टॉपिक है जावास्क्रिप्ट, ये आपके पास पीजीटी एग्जामिनेशन में टॉपिक आएगा। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर भी जावास्क्रिप्ट एज ए टॉपिक आता है। और जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। बट हम लोग जावास्क्रिप्ट की जो डेप्थ में, आई मीन जो रीजनेबल डेप्थ है, जहाँ तक हमारे क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट नहीं ले रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का। मैं कोशिश करूँगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इस एस्पेक्ट से आपको पढ़ाऊँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके सॉल्व हों, या फिर ऐसा जो भी चीज़ें होंगी जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी नोट्स बनाने की, वो सभी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। अब अगर आपको इस पीपीटी, जो भी मैं यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ, उसकी अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर जा सकते हैं। उस वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको जो भी पीपीटीज यहाँ पर मैंने बनाई हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आप हमारे कोर्सेज की डिटेल्स भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, अपने रजिस्ट्रेशन के बाद आप अगर इस कोर्स को देख रहे हैं, तो इस कोर्स की जो सारी रिलेटेड फाइल्स हैं, पीडीएफ कॉपीज़ हैं, वो सभी आपको प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिल जाएगी, आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS प्लेटफॉर्म पर, या फिर आपको गूगल ड्राइव पर इस वीडियो की रिलेटेड फाइल्स मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली YouTube पर सभी कंटेंट नहीं होगा, YouTube पर सिर्फ 10-20% कंटेंट ही होगा, बट कंप्लीट कोर्स आपने लिया है तो आपको सब कुछ मिलेगा। स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम जावास्क्रिप्ट का देखेंगे। बट ऑब्वियसली जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको इन डेप्थ एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पर, कैसे और क्यों हम यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब भी हम वेब पेजेस बनाएंगे, तो वेब पेजेस के हमारे मोस्टली तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है HTML, दूसरा है CSS विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और तीसरा है हमारे पास JavaScript। इन तीनों चीज़ों की हेल्प से वी मेक ब्यूटीफुल इंटरेक्टिव वेब पेजेस। अब जब मैं HTML की बात करूँगा, तो HTML helps to give a structure to the web pages, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, कौन सा एलिमेंट बोल्ड है, कौन सा एलिमेंट इटैलिक है, किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वेब पेज का, HTML उस स्ट्रक्चर को देता है। और जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, वो बेसिकली एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए यूज़ होता है, यानी कि आप किसी तरह की हेडिंग का स्टाइल किस तरह से यूज़ होगा, उसके अंदर पूरे डॉक्यूमेंट में किस तरह का फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, किस एलिमेंट में किस तरह का फ़ॉन्ट होगा, किस तरह की इंट्रैक्टिवनेस, आई मीन किस तरह की एक जो डिज़ाइन है, फील है, लुक एंड फील, उसको हम CSS की हेल्प से देते हैं। तो HTML जो मोस्टली है वो हम स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अब हमारे पास HTML5 भी आ गई है, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जो CSS है वो एक तरीके से लुक एंड फील को डिसाइड करता है कि आपका वेब पेज का लुक एंड फील क्या रहेगा। अब जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर इंटरैक्टिव ग्राफिक्स, इंटरैक्टिव चीज़ों को देने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई यूज़र है, यूज़र इज़ एंटरिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए डॉक्यूमेंट, अज्यूम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी यूज़र को अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ऐसी कुछ डिटेल्स को ऐड करना है। अब लेट अस से मोबाइल फ़ोन जहाँ पर मोबाइल नंबर डालता है, तो यूज़र इन द मोबाइल नंबर, यूज़र इंस्टेड ऑफ़ गिविंग 10-डिजिट मोबाइल नंबर, यूज़र सिर्फ 9-डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देता है। तो यानी कि मोबाइल नंबर ऑब्वियसली आपका रॉन्ग हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वी कैन गिव अ नोटिफिकेशन टू द यूज़र बाई सेइंग कि आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन में कुछ फॉल्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे तरह के अलर्ट्स यूज़र को शो करना चाहते हैं, सम काइंड ऑफ नोटिफिकेशन अगर आप यूज़र को शो करना चाहते हैं, तो उन सभी केसेस में हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेते हैं टू शो ऑल दोज काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस टू द यूज़र, या फिर जो भी हमारे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होंगे, इवेंट्स पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे यूज़र अगर बटन क्लिक करता है तो बटन क्लिक पे उसको क्या शो करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है एक वेब पेज के अंदर, तो वो सब हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट है वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, कहने का मतलब है कि ये सर्वर पर एग्जीक्यूट नहीं होता, वो क्लाइंट पर एग्जीक्यूट होता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो एक एक करके हम हर चीज़ लेंगे, और जहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या लिखना है। ओके,
नाउ अब देखो जावास्क्रिप्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब डेवलपमेंट में ही यूज़ होता है, उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, डेस्कटॉप एंड सर्वर एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि नोड जेएस है, नोड जेएस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा कुछ आपके डेटाबेसिस में भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मोंगो डीबी एक डेटाबेस है, या फिर आपके पास काउच डीबी एक डेटाबेस है, वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को बनाया क्यों गया था, इनिशियली हमने जावास्क्रिप्ट क्यों क्रिएट की थी, इट वॉज क्रिएटेड टू गिव अ वेब पेजेस अलाइव। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो आपको ध्यान देना है, अलाइव, यानी कि जनरली ऐसा होता था कि पहले जो हमारे वेब पेजेस थे देवर वेरी स्टैटिक वेब पेजेस, वेब पेजेस के अंदर ज़्यादा इंट्रैक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने उन्हीं वेब पेजेस को इंट्रैक्टिव बना दिया यूज़र से। अब यूज़र वेब पेजेस के साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टिंग कम्पेयर टू बिफोर। नाउ अब इसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट्स, और वो स्क्रिप्ट्स हम डायरेक्टली एक एचटीएमएल वेब पेज पर लिख सकते हैं, ठीक है, और जब उसको लोड करेंगे उस वेब पेज को एक वेब ब्राउज़र के अंदर, तो डायरेक्टली वो जो कोड है वो लोड हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड जावास्क्रिप्ट्स आर प्रोवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड एज ए प्लेन टेक्स्ट, दे नोडेड अ स्पेशल प्रिपरेशन और कंपाइलेशन टू रन। तो इनको स्पेशल प्रिपरेशन नहीं चाहिए रन करने के लिए, जब आप वेब पेज को लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट जो उस वेब पेज के अंदर होगी दे विल बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, सो दे डू नॉट नीड अ स्पेशल प्रिपरेशन। और जावास्क्रिप्ट जो है वो जावा से काफ़ी डिफरेंट है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो 1995 के आसपास इन्वेंट हुई थी, आई मीन क्रिएट की गई थी, और जावा है वो 1990s के आसपास क्रिएट की गई थी। सो 1990s में जब जावा क्रिएट हुआ था, इनिशियली जावा का ओरिजिनल नेम था ओक, बट बाद में जावा का नेम हमने चेंज करके ओक का नेम हमने चेंज करके जावा कर दिया था। बाय द ईयर 1995 जावा बिकेम वेरी पॉपुलर इन द इंडस्ट्री। जब जावा की पॉपुलर हुआ तो जावास्क्रिप्ट के जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने जावा की पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू है ना, जो पॉपुलैरिटी जावा की थी वो उस पॉपुलैरिटी को अचीव करना चाहते थे अपनी लैंग्वेज के अंदर। So, this JavaScript is a dynamic computer programming language, and it is a class of high-level programming language which at runtime execute many programming behaviors that static programming language perform during compilation. तो काफ़ी सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चीज़ें कंपाइलेशन फेज पे करती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सेम चीज़ें रन टाइम पर कर सकती है। बट थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँगा और डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और कहाँ पर हम कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं जो कि डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है जो जावास्क्रिप्ट है इनिशियली उसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, और उस समय पर हमारे पास जावा लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। सो जो डेवलपर्स थे जावास्क्रिप्ट के डिसाइडेड कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ यंगर ब्रदर ऑफ जावा, बिकॉज उससे इनको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और जिस तरह से ये लैंग्वेज और इवॉल्व हुई, एक फुल्ली इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम ECMA स्क्रिप्ट भी कहते हैं, और इसका जावा से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट और जावा को एक ही तरह की लैंग्वेज एज्यूम करते हैं, सोचते हैं, तो ये जो माइथ है इस माइथ को आप निकाल सकते हैं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज जावा इज़ अ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now, what exactly is a JavaScript? So, JavaScript is a lightweight and most commonly used part of the web pages nowadays, and whose implementation allows client-side script to interact with the user and make dynamic pages. देखिए, हमारे पास दो तरह की language हो सकती है यहाँ पर। एक होता है हमारे पास server-side script, और उसी तरीके से हमारे पास होती है client-side script. अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट का एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ASP जिसको हम बोलते हैं क्लासिक ASP, और जो क्लासिक ASP है वो VB.NET का यूज़ करती है, और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट का एग्जांपल, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का पॉपुलर एग्जांपल है वो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। अब जो जावास्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड पर भी एग्जीक्यूट हो सकती है और क्लाइंट साइड पर भी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये एक क्लाइंट है और ये एक सर्वर है। क्लाइंट अगर किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास, और क्लाइंट ने एक वेब पेज की रिक्वेस्ट की, अब वो वेब पेज यहाँ पर रिटर्न होगा एज्यूम ASP के अंदर।
अब सर्वर उस ASP के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, डायनेमिकली एक वेब पेज को जनरेट करेगा, यानी कि एक वेब पेज जो है वो ऑलरेडी सी जनरेटेड नहीं होगा, बट यूज़र के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम डायनेमिकली इस वेब पेज को जनरेट करेंगे। उसके अंदर डायनेमिक कंटेंट हो सकते हैं, जैसे कि जो यूज़र एग्जीक्यूट कर रहा है, जो यूज़र वेबसाइट को ओपन कर रहा है, तो उस यूज़र का नाम, करंट टाइम, करंट डेट, ऐसे कोई भी एलिमेंट जो कि डायनेमिकली इस समय करंट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जो डायनेमिक वेब पेजेस हैं वो यहाँ पर जनरेट करते हैं। और इस वेब पेज को जनरेट करने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास HTML के अंदर, तो उस रिजल्ट को हम सेंड करते हैं क्लाइंट के पास। ओके, बट जब मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो कोड है वो क्लाइंट की मशीन पर एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एक वेब पेज के लिए एक सर्वर से, अब सर्वर वो वेब पेज भेजेगा, उस वेब पेज के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट का भी कोड होगा, और ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा ये क्लाइंट की सिस्टम पर, क्लाइंट के मशीन पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और वहीं पर ही ये रिजल्ट को जनरेट करेगा। डिफरेंस ये था कि सर्वर स्क्रिप्टिंग में जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही थी वो सर्वर पर हो रही थी और हम सिर्फ क्लाइंट को रिजल्ट सेंड कर रहे थे, लेकिन क्लाइंट साइड पे हम लोग क्लाइंट पर ही स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और यहीं पर ही हम रिजल्ट क्लाइंट को सेंड करेंगे। ओके, अब दूसरा है कि इट इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़ है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ। अब इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब देखो, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और जो हमारे पास एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, दोनों में लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस है। इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? जब एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसे कि आपके पास सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो डायरेक्टली हमें एक मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी कि मशीन कोड हमें देता है। ठीक है, तो आपने उसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, तो आपको डायरेक्टली एक मशीन कोड मिला जिसको आप फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटेड का मतलब यह है कि अब इसका कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मशीन कोड नहीं देगा, बट इट विल गिव समथिंग एल्स विच इज़ नॉट अ मशीन कोड। ठीक है, जैसे कि हम अगर पाइथन का, रूबी का, स्मॉल टॉक का या फिर लुआ का अगर हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें एक बाइट कोड देता है विच इज़ नॉट अ मशीन कोड, इट गिव समथिंग एल्स। और फर्दर ये जो समथिंग एल्स है इसको हम किसी और तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली द कोड इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड दिस अनदर फॉर्म कैन ऑल्सो बी फर्दर कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म्स। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेट होती है, बेसिकली वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती। ओके, सो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इंटरप्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन, द ओरिजिनल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग एल्स, द अनदर प्रोग्राम कॉल्ड द इंटरप्रेटर देन एग्जामिन्स दिस समथिंग एल्स एंड परफॉर्म वट एवर एक्शंस आर कॉल्ड फॉर। डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, देर आर वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ समथिंग एल्स फॉर मोर पॉपुलर, लेस पॉपुलर समथिंग एल्स वगैरह वगैरह। ओके, सो बेसिकली जो कोड है वो डायरेक्टली आपको एक मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं मिलेगा। नाउ अब जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली पहले जैसे मैंने आपको बताया वो लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इसका जो नाम है वो नेटस्केप ने चेंज किया था। अब नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र था जो काफ़ी फेमस हुआ था, फर्दर उसके बाद हमारे पास फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है और इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है। तो जो नेटस्केप नेविगेटर था वो 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उस जावास्क्रिप्ट जो थी वो सबसे पहले हमने नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र के अंदर यूज़ की थी। अब उसके बाद जो जनरल पर्पज कोर ऑफ द लैंग्वेज हैज़ बिन एम्बेडेड इन नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर और अदर वेब ब्राउज़र्स। सो बेसिकली आजकल के जो वेब पेजेस हैं, देयर आर मेनी वेब पेजेस जहाँ पर जावास्क्रिप्ट होंगी, वेब पेजेस के अंदर एम्बेडेड होगी जावास्क्रिप्ट। जब वो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट जो है सर्वर से डाउनलोड करता है वेब पेज, यानी कि एक वेबसाइट जब एक क्लाइंट ओपन करता है तो क्लाइंट के एंड पर उस वेबसाइट पर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड था वो एग्जीक्यूट होता है और जावास्क्रिप्ट के कोड से हम कुछ डायनेमिक कंटेंट जनरेट करते हैं जो कि यूज़र को शो होता है। सो बेसिकली पॉइंट्स आर, जावास्क्रिप्ट इज़ लाइट वेट एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो इंटरप्रेटेड आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये डायनेमिक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको लिख सकते हैं। और ये एक नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस में यूज़ को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है और इट कैन बी एम्बेडेड इन द जावा एज वेल एज इट कैन ऑल्सो भी एम्बेडेड इन द HTML। तो HTML और जावा के दोनों के अंदर इसको एम्बेड कर सकते हैं। तीसरा, ये ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि ओपन और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में डिफरेंस
क्या क्या होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन की जा सकती है, चाहे वो एप्पल का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो विंडोज़ का प्लेटफॉर्म हो, या फिर वो मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी तरह की मशीन हो, ये सभी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। और दूसरा क्या है कि ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन का मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास एक ओपन सोर्स होता है, तो ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि कम्युनिटी इसको डेवलप करती है, लोग इसको डेवलप करते हैं और ओपनली सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल होंगी। ये ओपन सोर्स नहीं है लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी। पीपल कैन यूज़ द कोड, वो इस कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, अपनी कुछ फंक्शंस या कुछ फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि वो इसकी पावर को और बढ़ा सके और अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये एक ओपन सोर्स नहीं है, तो यानी कि जो लाइसेंस है वो एक कंपनी ओन करती है। ओपन सोर्स में जो जो पीपल है, पब्लिक है, वो इसको डेवलप करती है, पब्लिकली सब कुछ अवेलेबल होता है। ओके, नाउ जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड मैकेनिज्म प्रोवाइड्स मेनी एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल सीजीआई। जैसे कि जावास्क्रिप्ट, अगर किसी यूज़र ने अपनी ईमेल आईडी को एंटर किया है एक वेब पेज के अंदर, अब वो ईमेल आईडी करेक्ट है कि नहीं है, उस वो करेक्ट फॉर्मेट के अंदर है कि नहीं है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही यूज़र सबमिट बटन को क्लिक करेगा, उसी समय पर कुछ नोटिफिकेशन जो है हम यूज़र को शो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं यूज़र की कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करी है या नहीं की है, या फिर कुछ भी फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हम एक एक करके सभी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, सो कुछ बटन इवेंट्स हो सकते हैं, लिंक नेविगेशन हो सकते हैं, जो भी इवेंट यूज़र परफॉर्म कर रहा है, जो कि बटन इवेंट हो सकता है कि उसने कोई बटन को क्लिक किया या माउस क्लिक हुआ या फिर उसने लिंक को चेंज किया, किसी वेब पेज से किसी और वेब पेज पर गया, या जो भी इवेंट्स अगर हो सकते हैं वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं टू जनरेट आइदर सम नोटिफिकेशंस, टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्शंस, अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ऑन द क्लाइंट साइड। ओके, अब जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास अलग अलग इंजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। अलग अलग जो आपके वेब ब्राउजर्स है, दे यूज़ डिफरेंट इंजन्स, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ऑब्वियसली हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को लेकर चलेंगे, किस तरह से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे लूप्स बनाएंगे, वो सब चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।